एलिफेंट बीच की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है और ये डेंस फॉरेस्ट है। हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि ये 3 किलोमीटर तक लोकल पीपल रहते हैं, उसके बाद 13 किलोमीटर की ये घने जंगल है। अगर आप गाइड नहीं लोगे तो आप खो सकते हो, बट वी डोंट माइंड इन खोना वोना। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी, वी आर सोलो ट्रैवलर्स, सो वी विल ट्रैवल द होल जंगल नॉट, बट द स्पेसिफिक जो हमारा ये रास्ता जा रहा है इससे हम ट्राई करेंगे। और हमने गाइड नहीं लिया है, गाइड इज़ चार्जिंग 500 फॉर अप एंड डाउन फ्रॉम बोथ साइड। ये घने जंगल है और ये घने जंगल में आप खो सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डर है तो आप ले सकते हैं गाइड, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी, आप पैसे सेव करो। आप ये फिर आप उससे आगे बढ़ सकते हो। शूज़ बहुत बुरा हाल हो चुका है, फिर भी
जब डिसाइड किया है तो हमें चलना तो पड़ेगा और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही पहुंचना है। कभी कभी आप फेडअप हो जाओगे कि वो कितना फिसलन है, वापस चलते हैं, बट हो नहीं सकते। ये देखो शूज़, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। अब आगे चलते हैं। रूट्स होते हैं पेड़ के, उसे आप पकड़ उस पर पैर ग्रिप रख के अच्छे से चल सकते हो, पर वो बहुत काफ़ी फिसलन भरा होता है। बट यू शुड होल्ड अ ग्रिप। कहीं ये बीच में जब वी आर हार्डली 0.8 किलोमीटर्स अवे, तो ऐसे बम्बूज से बने हुए हैं, इसमें फिसलन होती है, बट आप पैर अच्छे से टिका कर चलोगे तो यू कैन वॉक ईजीली, बट संभल संभल के। कहीं भी आपको फास्ट फास्ट नहीं भागना है, नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। बहुत आराम से बच्चे भी जाते हैं, तो आप सोच सकते हो इजी ट्रिप है, बस स्लो 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 एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये देखो ये जो धूप आती है हल्की हल्की, उसकी रोशनी है, ये काफ़ी अमेजिंग व्यू होता है। ये लिजार्ड फुल ऑफ दिस फॉरेस्ट, लिजार्ड देखो, देख सकते हो लिप्स के पास, इधर भी लिजार्ड है। आप जब जाओगे क्रॉस होती है, रहती हैं लिजार्ड इधर से उधर, और हमें कोई भी जानवर वगैरह नहीं दिखे, लिजार्ड वॉज द ओनली थिंग। और अब आगे बढ़ेंगे तो हमें और कुछ स्पेशल क्रिएचर्स देख सकते हैं, छोटे छोटे, बड़े तो कुछ भी नहीं थे वैसे। ये यहाँ तक ये रास्ता बना हुआ है थोड़ा फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स, बट भैया थोड़ा आगे पूरा बना देते हैं। सारी जगह डाइवर्जेंट आपको मिलेगा, बट आप कोई सा भी लोगे तो आप एक ही जगह पहुंचोगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन जो पुल पार करते ही आपको मिलता है। यू शुड टेक द लेफ्ट और रेस्ट इज सेम, आप राइट लो लेफ्ट लो, सब एक ही जगह आता है रास्ता। किसी में ज़्यादा दलदल है, किसी थोड़ा ड्राई है, और बीच बीच में सिटिंग एरिया बनी हुई है फॉर द रेस्ट थिंग। फ्लोरा एंड फौना से छेड़छाड़ ना करें।
कृष्ण हिल्स लैंड है। बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन और पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं ऐसा दिखता है। मेरे ख्याल से ये लोगों के कन्वीनियंस के लिए है, पर एक पर्टिकुलर इंडिकेशन होना चाहिए कि यू आर गोइंग राइट इन राइट डायरेक्शन और नॉट। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, मैं जाऊँ किधर, राइट लेफ्ट, क्योंकि इट्स एन ओपन एरिया। बट हम चलते गए कहीं तो निकलेंगे। बट नॉट टेकिंग गाइड वॉज द बेस्ट डिसीजन। वी हैव सेव्ड 1000 रुपीज़। देखो ये जो शूज़ पूरा बर्बाद हो गया और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आई हैव टू सेल थ्रू दिस जर्नी। सो मैंने कभी पेड़ पे चढ़ा, कभी इधर, बट आई हैव नो ऑप्शन। अब इतने पास आके वापस नहीं हो सकते थे। ये देखो छोटे छोटे स्नेल्स हैं, ये यही सब है, ये पूरे आपको दिखेंगे पूरे रास्ते में। ये ब्लू स्काइज मीन्स सी इज अवेटिंग। ये काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी मुंडा पहाड़ गए थे उससे भी ये काफ़ी एडवेंचरस था। उसमें रास्ते बने हुए थे और हमें पता था जाना किधर। इसमें वी हैव नो क्लू, वी आर न्यू टू दिस प्लेस एंड वी हैव नो क्लू, बट चलता है। अंडमान हैवलॉक पोर्ट ब्लेयर इन होल प्लेस ऑफ अंडमान, इट्स अ सेफ प्लेस, सो यू कैन वॉक अलोन, यू कैन ट्रैक अलोन, तो इट्स सेफ। ये देखो कहीं सूखा है, कहीं पानी है, छोटे छोटे स्नेल्स हैं, ये सब आपके साथ रहते हैं, तो आप सेफ हो ही। इधर कभी उधर कभी उधर, काफ़ी मुश्किल भरा रोमांचक सा जर्नी। ये कहाँ गए हम, देखिए ये पेड़ कटे हुए हैं इधर, ये गिरा हुआ। पहले हमने सोचा कि हम इसके थ्रू उस साइड चले जाएं, हमें वाटर लेवल कम मिल सकता है, बट जैसा फर्स्ट की तरह मैं सेकेंड टाइम भी मैं गलत थी। देन अगेन माई फ्रेंड सजेस्टेड, नहीं इधर पानी ज़्यादा है, वापस हो। देन फिर हम वापस, और ये शॉर्ट एरिया शॉर्टकट। फिर हमने शॉर्टकट मारा, शॉर्टकट लिया, और ये देखो हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। फिर अगेन वी हैव टू जंप अ ट्री। ये ओपन ग्राउंड है, यू हैव टू मेक योर ओन पाथ टू रीच द एलिफेंट बीच। इसमें एडवेंचरस ये था कि हमने अपना दिमाग लगाया, गाइड के दिमाग से नहीं चलाया। चलते चलते हाँफते बुरा हाल था, पर ये वाली प्लेन लैंड थी तो इसमें उतना नहीं पता चला। फॉरेस्ट एरिया में हाँ हम थक चुके थे थोड़ा। ये मैं कूदी, कूद कर इस पर, और ये मेरा फ़ोन गिर गया फ़ोन गिर गया कूदने में, बट यू कैन सी द सी, yeah! और आफ्टर दिस एरिया हमें मंजिल दिख रही थी जो कि काफ़ी करीब है। ये हम आ गए, देखो ये हमारी मंजिल जिसके लिए हमने 1.8 किलोमीटर्स आना एंड देन बैक टू पवेलियन जाना किया है। यही तो घूमने का मज़ा है। ट्रैवल्स मीन्स अप्स एंड डाउन्स। वो स्पॉट जो है वहाँ से आप सी वॉक करते हो। ये
देखो कितना सुंदर सा है टर्कोइश वाटर, क्लियर स्काई। स्पोर्ट्स टोटली एलिफेंट बीच में होता है, वाटर स्पोर्ट्स, तो आप जो चाहे ऑप्ट करो, यू कैन, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। अच्छा मैं ये नहीं तो वो कर लूँ, वो नहीं तो वो कर लूँ। ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं फॉर इटली थिंग, आप ले सकते हो। इसी में स्टॉल्स हैं फॉर टेकिंग दी टिकट्स ऑल्सो। अगर आप गाइड के साथ आते हो तो गाइड गेट दी बेनिफिट ऑफ लाइक काइंड ऑफ मनी दे टेक फॉर यू 500 फॉर ईच। लोग जिनके भी ये लाते हैं, अगर वो कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करते हैं तो इन्हें 500 रुपीज़ कमीशन मिलता है। नहीं नहीं कपड़ा गीला। सो वी हैव सेव डैट ऑल्सो, दैट्स वाई आई हैव सेड 1000 हमने बचाया है। इसकी करा था फिर ये पैरा सेलिंग इट्स कॉस्ट यू अराउंड 3500 इफ़ यू आर विदाउट गाइड। देन यू इफ यू विल बार्गेन देन दे विल से कि ओके ठीक है 3000 दे दो आप, तो आप गाइड का पैसा बचा लोगे। इट्स की पॉइंट टू कीप इन माइंड। तो ये हमने करी पैरा सेलिंग, बहुत अच्छी लगी। ऊपर से जब आप एलिफेंट बीच का व्यू देखोगे यू विल बी मेस्मराइज्ड। वाटर